रहीम uh, इस लेक्चर के अंदर हम एक छोटी uh, सी एग्जांपल लेंगे uh, जिसके अंदर कि हम एक फाइल कॉपी का प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस उन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को ऑफ कोर्स हम विंडोज़ के अंदर यूज़ करेंगे विंडोज़ का कोई कंपाइलर होगा विंडोज़ uh, का कोई कंपाइलर आमतौर पे हम विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं तो उस विजुअल स्टूडियो को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको नंबर ऑफ़ अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं आपकी तो उन रिक्वायरमेंट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फर्स्टली ऑफ कोर्स आपके पास एक कंप्यूटर तो होना चाहिए जिसके अंदर विंडोज़ हो विंडोज़ uh, के बाद आपके पास कंपाइलर विजुअल स्टूडियो आप कोई सा भी ले लें टू से ऑनवर्ड्स हम यहाँ पे अभी 2013 वाला यूज़ करेंगे वर्जन फिर आपके पास रैम होनी चाहिए जो कि उस विजुअल स्टूडियो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है तो उसको सपोर्ट करने के लिए ना रैम होनी चाहिए ताकि वो सही तरीके से रानो स्लो ना रानो और फिर आपको रेफरेंस के लिए सपोर्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क की या तो आप सीडीज रख लें उसकी ऑफ़लाइन हेल्प या अगर आपके पास इंटरनेट ऑफ कोर्स अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली इंटरनेट से भी माइक्रोसॉफ्ट की साइट से एम एस डी एन का इस्तेमाल कर सकते हैं एम एस डी एन इज़ द माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क जिसके ऊपर सारी ए पी सपोर्ट सारी ए पी जो स्पेसिफिकेशंस जो स्पेसिफिकेशन डाक्यूमेंटेशन है वो सारी अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लिस्टिंग मौजूद है एक प्रोग्राम की जो कि स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी यूज़ करके लिखा गया ये प्रोग्राम क्या करेगा एक फ़ाइल को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी कर लेगा यहाँ पे हम जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन हैं वो फाइल को ओपन करने के फाइल को रीड करने के और फाइल को राइट करने के लिए यूज़ होंगे यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक बफर साइज़ डिफाइन किया ऑफ 256 फिफ्टी बाइट हम 256 के चंक्स के अंदर फाइल को रीड करते जाएंगे जो हमारी सोर्स फाइल है और जो भी डेटा रीड हुआ है उसको हम डेस्टिनेशन फाइल के ऊपर राइट करते जाएंगे हमारे पास कोई ऐसा एक फंक्शन नहीं है जो पूरी फाइल को उठा के दूसरी फाइल पे कॉपी कर दे तो इसलिए हम एक बफर के अंदर बाय बिट्स एंड पीसेस उसको लोड करेंगे एक बफर के अंदर उसका एक पीस लोड किया दूसरे में कॉपी किया फिर नेक्स्ट पीस लोड किया दूसरे में कॉपी किया एंड सो ऑन एक लूप के अंदर ये करते जाएंगे जब तक कि पूरी फाइल जो है कॉपी नहीं हो जाती तो इसके लिए ये काम करने के लिए हमने बड़ा एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया एक कमांड लाइन के ऊपर आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं इस मेन के अंदर देखें आर्गोमेंट सी आर्गोमेंट वी आप इनसे वाकिफ़ होंगे ये कमांड लाइन आपके पैरामीटर होते हैं आर्गोमेंट सी काउंट है आर्गोमेंट वी उनकी वैल्यूज़ हैं अगर यहाँ पर आप मेन के अंदर देख रहे हैं कि शुरू में ही जो है वो आर्गोमेंट सी को चेक कर रहा है आर्गोमेंट सी जो है वो थ्री होना चाहिए क्योंकि जो इसका हमने सिंटेक्स बनाया वो दो फाइल नेम्स लेगा और एक ऑफ कोर्स उस अपनी फाइल का नाम होगा तो थ्री आर्गमेंट्स हमारे पास होने चाहिए अगर वो थ्री नहीं है तो सिंपली प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा और अगर वो थ्री हैं तो फिर वो क्या करेगा आर्गमेंट वी यानी कि वी वन जो पहला उसका पैरामीटर है जो कि असल सोर्स फाइल है तो सोर्स फाइल को रीड बाइंड्री के लिए वो ओपन करेगा रीड बाइंड्री के लिए ओपन करने के बाद रीड बाइंड्री के लिए ओपन करेगा रीड बाइंड्री के लिए ओपन करने के बाद अगर उसमें किसी किस्म का एरर आता है तो यहाँ पे वो एरर शो करेगा और एरर शो करने के बाद रिटर्न कर जाएगा अगर कोई एरर नहीं आता तो वो दूसरी फाइल को ओपन करेगा राइट बाइंड्री मोड के अंदर और अगर इसके अंदर एरर आता है तब भी प्रोग्राम जो है आपका एग्ज़िट कर जाएगा ऐसा करने के बाद अगर दोनों फाइल्स ओपन हो जाती हैं तो फिर हमने क्या करना है एक लूप के अंदर हम फाइल को रीड करते जाएंगे ये हमारा एक लूप है इस लूप के अंदर एफ रीड से हम यहाँ पे फाइल को रीड कर रहे हैं कितना रीड कर रहे हैं जितना बफर साइज है वो आपने 256 रखा हुआ था तो एक 256 फिफ्टी बाइट्स का आपने चंक रीड किया और दूसरी जो फाइल है उसके ऊपर आपने राइट कर दिया ये 256 फिफ्टी बाइट्स का चंक कितने बाइट्स राइट किए जितने बाइट्स रीड हुए थे बाइट्स इन के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स हैं जो रीड हुए हैं आपने वैसे 256 का कहा था हो सकता है फाइल के अंदर बाइट्स ही 100 हो अगर 100 बाइट्स हैं तो इनफैक्ट 100 बाइट्स रीड हुए हैं 256 नहीं रीड हुए जो एक्चुअल नंबर ऑफ बाइट्स रीड हुए हैं वो बाइट्स हैं इनके अंदर आएगा और हम एक्चुअल जो नंबर ऑफ बाइट्स रीड हुए हैं उनको ही यहाँ पे राइट करेंगे और ऐसा लूप के अंदर ये चलता रहेगा अगर किसी वजह से जितने आपने बाइट्स रीड किए हैं और जितने आपने बाइट्स राइट किए हैं दोनों सेम नहीं हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है ये किसी किस्म का एरर इंडिकेट करता है जिस केस में भी प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट कर जाएगा और इन केस अगर ये लूप सही तरीके से काम कर रहा है और सब कुछ सही चल रहा है तो हो सकता है कि आफ्टर फ्यू आइट्रेशन फाइल्स जो हैं वो पूरी तरह से कॉपी हो जाए और फिर प्रोग्राम जो है बाहर आ जाएगा बाहर आने के बाद आप दोनों फाइल्स को क्लोज कर देंगे यानी कि अगर आपके पास एक सोर्स फाइल है और एक डेस्टिनेशन फ़ाइल है आपने सोर्स फाइल का पहले 256 बाइट्स रीड किया और डेस्टिनेशन के ऊपर राइट कर दिया फिर नेक्स्ट 256 रीड किया और डेस्टिनेशन पे राइट कर दिया अब फर्ज़ करें कि आपके पास यहाँ पे 200 बाइट्स बचे हैं आप रीड 256 का ही उसको कहते हैं लेकिन इनफैक्ट जो एक्चुअल नंबर ऑफ बाइट्स रीड हुए हैं वो आपके पास बाइट्स एन में आएंगे तो आप जो एक्चुअल बाइट रीड हुए हैं वो टू हैं और टू है को इधर राइट करेंगे अगर ये सारा काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है तो यहाँ पे किसी किस्म का फेटल एरर नहीं आएगा और आप दोनों फ़ाइल्स को यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे ये सारा कुछ होने के बाद फ़ाइल्स को क्लोज कर देंगे और एज़ अ रिज़ल्ट जो आपकी सोर्स फाइल थी वो डेस्टिनेशन के ऊपर कॉपी हो जाएगी ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो की एनवामेंट है इसके अंदर आपने अगर कोई सी फाइल का प्रोग्राम रन करना है थोड़ा सा इसके अंदर आपको लंबा काम करना पड़ता है क्योंकि आपको पहले एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है तो सबसे पहले हम ये प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है आप देखें आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन अवेलेबल हैं आपने विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर जाके विन थर्टी टू कंसोल एप्लीकेशन और जो भी आप उसका नाम रखना चाहें पी सी यहाँ पे आपने वन थर्टी टू कंसोल एप्लीकेशन चूज किया उसका नाम आपने स्पेसिफाई किया और इसको आप ओके OK कर दें अभी आप विजिट चल रहा है यहाँ पे आप नेक्स्ट करें एक एम प्रोजेक्ट बना लें और उसको फिनिश कर लें ये अब हमारे पास एक एम प्रोजेक्ट बन गया इस एम टी के अंदर भी कोई फाइल अवेलेबल नहीं है तो अब यहाँ इसमें हम एक सोर्स फाइल ऐड करते हैं ऐड में जाके न्यू आइटम और यहाँ पे हम एक सी प्लस प्लस फाइल ऐड कर देते हैं इसका भी आप जो मर्जी नाम रखना चाहें रख सकते हैं और इसको ऐड कर लें अभी आपके पास फाइल आ गई है इस फाइल के अंदर आप अपनी सारी कोड जो है टाइप कर सकते हैं अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम की सारी जो कोड है वो यहाँ पे टाइप हो जाएगी यहाँ पे आप अपनी सारी प्रोग्राम लिस्टिंग देंगे हम अपनी प्रोग्राम लिस्टिंग सारी इधर पेस्ट कर देते हैं ये हमारा सारा प्रोग्राम आ गया और अब हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल करना इसको कंपाइल करने के लिए आप यहाँ से यह प्ले का बटन क्लिक कर दें और यस कर दें यह प्रोग्राम कंपाइल हुआ इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ एरर आया ये अगर आपको एरर आए हो सकता है विजुअल स्टूडियो थर्टीन के अंदर ये एरर आकर हो अगर एरर आकर होता है तो इस एरर को सप्रेस करेंगे तो हमें इस एरर को सप्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के अंदर आके यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है इसको आप कहें कि जी आपने इसको एज अ सी कोड कंपाइल करना है और यहाँ पे जो वार्निंग आपने डिसेबल करनी है दैट इज़ फोर नाइन नाइन सिक्स ओके कर दें और आप इसको आप फिर से कंपाइल करें अब आप देख सकते हैं कि यह प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया अब इसको रन करने के लिए हम कमांड पर जाएंगे यहाँ पे आप कमांड लिखें यह हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गई कमांड प्रॉम्प्ट में जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक डिबग का फोल्डर नज़र आएगा इस डिबग के फोल्डर में जाएं और इसकी आप लिस्टिंग लें तो यहाँ पे आपको एग्जी फाइल बनी हुई नज़र आएगी सी पी सी के नाम से एग्जी फाइल बनी हुई नज़र आएगी अगर सी पी सी को हम वैसे रन करते हैं क्योंकि वो कमांड लाइन पैरामीटर्स ले रही है और शुरू में हमने चेक भी लगाया हुआ है तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है और कह रहा है कि इसको इस तरीके से यूज़ करना हमने फाइल वन और फ़ाइल टू का नाम भी स्पेसिफाई करना अब यहाँ पे आप कुछ तो कोई फ़ाइल क्रिएट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं से ए डॉट टी एक्स टी और इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट रख देते हैं ये हमने टेक्स्ट रख दिया और कंट्रोल ज़ी से ये फाइल क्रिएट हो गई अब आप देखेंगे वाली फाइल लिस्टिंग के अंदर आ ए डॉट टी एक्स टी सेवनटीन बाइट्स की फाइल है और ये हमें इधर नज़र आ रही है अब इस फाइल को हम किसी दूसरी फाइल पे कॉपी करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हम इस प्रोग्राम का नाम सोर्स फाइल का नाम और आगे डेस्टिनेशन फाइल का नाम स्पेसिफाई करते हैं ठीक है, है? होपफुली कोई एरर नहीं आएगा एंटर करें ये फाइल हो गई इसकी आप लिस्टिंग ले लें तो इस लिस्टिंग के अंदर अब आपको एक और नई फाइल क्रिएट हुई भी नज़र आएगी बी डॉट टी एक्स टी तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल कॉपी का प्रोग्राम काम कर रहा है